क्या आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है? क्या आप इसे प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घरेलू उपाय, स्वस्थ आहार और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से आप उच्च रक्तचाप को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें। स्ट्रेसिक्स कैप्सूल एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक उपचार है जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसमें शामिल जड़ी बूटियां तनाव को कम करने में मदद करती हैं और हृदय स्वास्थ्य को समर्थन प्रदान करती हैं। अच्छे परिणाम पाने के लिए स्ट्रेसिक्स कैप्सूल का लगातार 3 महीने तक सेवन करने का सुझाव दिया जाता है। ये शुद्ध प्राकृतिक होने के कारण बिना दुष्प्रभावों के इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रेसिक्स कैप्सूल की मुख्य जड़ी बूटियां अर्जुन, हृदय रक्षक, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, स्वस्थ रक्तचाप स्तर को बनाए रखता है। शंख पुष्पी, शांत, चिंता विरोधी, तनाव कम करता है, रक्तचाप को सामान्य करता है। ब्राह्मी, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, तनाव और चिंता कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अश्वगंधा, तनाव प्रबंधन, कोर्टिसोल कम करता है, रक्तचाप को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ज्योतिषमती, तनाव कम करता है, संज्ञानात्मक कार्य बेहतर बनाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। शिलाजीत, समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, स्वस्थ रक्तचाप स्तर को बनाए रखता है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, सरसों का साग और मेथी जैसे हरी पत्तेदार सागों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करता है। ये फाइबर से भी भरपूर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। दालें करें शामिल, मूंग, चना और मसूर जैसी दालें प्रोटीन और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। ये न सिर्फ दिल को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में मदद करती हैं। फलों का सेवन बढ़ाएं, सेब, केला, संतरा जैसे फल पोटेशियम से भरपूर होते हैं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके दिल की सेहत के लिए भी अच्छे हैं। दही और छाछ का सेवन करें, दही और छाछ में प्रोटीन और कैल्शियम होता है जो हड्डियों के साथ साथ दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है। ये पाचन में भी मदद करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में क्या नहीं खाना चाहिए? नमक कम करें, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पैकेट वाले खाद्य पदार्थों, अचार और पापड़ में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इनका सेवन कम से कम करें। जंक फूड से दूरी, बर्गर, पिज्जा और फ्राइड चिकन जैसे जंक फूड में ज्यादा सोडियम, फैट और कैलोरी होती है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं। शुगर लिमिट करें, ज्यादा मीठी चीजें खाने से वजन बढ़ सकता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और केक का सेवन कम करें। रेड मीट कम खाएं, रेड मीट में सैचुरेटेड फैट होता है जो दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के घरेलू उपाय, योग और मेडिटेशन। नियमित योग और मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। प्राणायाम और ध्यान करने से मन शांत होता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। नियमित व्यायाम, रोजाना कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या कोई भी दूसरी पसंदीदा एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। व्यायाम करने से शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हृदय स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। उच्च रक्तचाप के लिए इन घरेलू उपायों का पालन करने के साथ साथ स्ट्रेसिक्स कैप्सूल को नियमित रूप से लेने से आपको काफी मदद मिलेगी। स्ट्रेसिक्स कैप्सूल कैसे प्राप्त करें? स्ट्रेसिक्स कैप्सूल को नियमित रूप से उपयोग करके आप स्वस्थ रक्तचाप को बनाए रख सकते हैं और अपने हृदय स्वास्थ्य को प्राकृतिक तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आप इसे विश्वसनीय ऑनलाइन आयुर्वेदिक स्टोर ayushremedies.in से खरीद सकते हैं। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपको हाई बीपी के लिए योगासन के बारे में बताएंगे, तो वो भी जरूर देखें।